my background is, though I am today in this politics, I started my political career as a student leader, as a student worker. So I know the student politics very well. Nowadays I have seen that how they are torturing the students and they are torturing the even the officers also. It is a very, I am telling you, it is very disturbing. It is not only for me, it is for all. हमें तो इसको इतना बोलने की भी शर्म लगती है कि ऐसा खतरनाक ढंग से एक प्लांटेड गेम बना के जैसा लोकतंत्र का ऊपर आज आघात आ रहा है, जैसे कोई आदमी कोई बात करते हैं तो हर आदमी को भी पाकिस्तानी बना देता है, अगर कोई किसी का खिलाफ में कुछ बोलते भी है तो उसका देश को एनिमी बना देता है। ऐसा चीज़ कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान का साथ पाकिस्तान का पार्थक्य ही है, तफात ही है। पाकिस्तान इज़ नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा हिंदुस्तान, हमें गौरव का साथ कहते हैं, हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, हमारा हिंदुस्तान में सेकुलर है। हमारा हिंदुस्तान का ये हमारा सबसे गौरव का बात है। दिल्ली का पुलिस और अरविंद केजरीवाल का साथ में नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में है। उसको कहा है कि आप कुछ मार्च करो। एक दफे देखो, वन साइड में भेज दिया गुंडा लोगों को बीजेपी का, दूसरी साइड में पुलिस को इनएक्टिव करके रखा। पुलिस क्या करे, उसको ऊपर से बोल दिया आप कुछ मार्च करो, आप देखते जाओ बीजेपी जो करे यही करने दो। दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज अ फैसिस्ट सर्जिकल स्ट्राइक।